हेलो गाइज, नमस्ते। चौहान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सभी बड़ों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और मेरे प्यारे सभी छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कुछ भी आप समझें तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, आज अष्टमी थी तो हमारे यहाँ अष्टमी को कन्या खिलाई जाती हैं, तो हम जल्दी उठ गए थे। नहा धोकर हमने पहले तो माता रानी का भोग बनाया। भोग बनाने के बाद हमने पूजा की। तो यहाँ पर हम सब लोग मिलके हवन कर रहे हैं। मैं हूँ, छवि, यशु, रजत, गीता, सभी लोगों ने मिलके माता रानी की पूजा की, हवन किया, और फिर माता रानी का जो भोग बनाया था वो माता रानी को भोग लगाया। तो यहाँ पर फिर आ गए थे हम किचन में। किचन में हमने माता रानी की अठावरी बनाई, जो कि माता रानी को भोग लगाया जाता है। तो यहाँ चने का और हलवे का और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। तो मैंने एक थाली माता के लिए तैयार की थी और एक अलग ऊपर अपने पितरों के लिए, तो उसका भोग। तो यहाँ पर हमने कन्याओं के लिए खाना तैयार किया है। ये हलवा बनाया था और छोले की सब्जी और चना, चने को भी उबाल के रख लिया था। तो अब कन्याओं को ही बुलाने की, छवि को मैंने भेजा था कि छवि देख के आओ, बाहर कन्या है तो उनको बुला के लेके आओ। तो छवि बाहर देख रही थी कि कन्या है कि नहीं। तो छवि अपनी एक फ्रेंड के साथ कन्याओं को बुला के लेके आई थी। तो बहुत कन्या आ गई थी। वैसे तो कभी कभी तो बिल्कुल नहीं मिलती हैं आजकल। तो वैसे तो लोग कहते हैं कि मतलब बेटी आज के दिन तो पूजा करते हैं, और वैसे चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटी ना हो। तो कन्याओं जब देखते हैं कि देखो कन्या नहीं है, तो देखो कितना दोनों का बैलेंस होना चाहिए। बेटी और बेटा एक ही समान है आजकल के ज़माने में। तो हम इन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। तो हमें बराबर ये नहीं है, हम कन्या के दिन ही इनका मान सम्मान करें। हमें हर रोज़ इनका मान सम्मान करना चाहिए अपनी बेटियों का, क्योंकि इनके बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जितनी बेटे की ज़रूरत होती है, हमें उतनी ही बेटी की भी ज़रूरत होती है। तो देखिए, आज हमें तो काफ़ी कन्या मिल गई थी। हमारे पास ऊपर तो माता रानी की कृपा थी, तो काफ़ी सारी कन्या थी, एक दूसरों के घर खा के आई थी। तो हमने उन्हीं के घर से बुला ली थी। तो फिर यशु ने और गीता ने सबको तिलक लगाया और भोग खाना खिलवाया। खाना खिलवाने के बाद इन सबके चरण स्पर्श करके इनसे आशीर्वाद लिया। तो कन्या बातें कर रही थी, कोई भाभी कह रही थी गीता को, कोई दीदी कह रही थी, तो गीता हंस रही थी। तो सबको आशीर्वाद दिया, और छवि दे रही थी इनको, सबको पेंसिल कलर दिए थे, तो कुछ कलर कम पड़ गए थे, तो छवि और दोबारा लेके आई थी दुकान से। तो हमें बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ कन्या जी माँ कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है संपन्न। तो आपके यहाँ अष्टमी मनाई जाती है या नवमी, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। तो यहाँ पर यूबी आया था थोड़ा सा लेट, तो यहाँ पर हम यूबी को खाना दिया है। तो यूबी भी बैठ के ज़मीन पर कन्या जीम रहा है। तो यूबी को भी हमने चॉकलेट दी थी और कलर दिए थे और पैसे भी दिए थे। तो रजत चिढ़ा रहा था यूबी को के तू तो लंगूर है, लंगूर जिमरा। तो यूबी हंस रहा था, नहीं तो कभी कभी चिढ़ भी जाता है। तो चलिए, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और आप हमको बताइए कि आपके यहाँ पे अष्टमी मनाई जाती है नवमी। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया करें। नमस्ते, राधे राधे, सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे।